सोनीपत लोकसभा सांसद रमेश कौशिक ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष से नायब सिंह सैनी कल सोनीपत में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम सोनीपत के कामी रोड पर स्थित रामलीला मैदान पर आयोजित किया जा रहा है और सांसद रमेश कौशिक ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई काम नहीं है, कांग्रेस जमीन पर दिखाई नहीं देती है और यह बड़े ही शर्म की बात है कि कांग्रेस का आज तक संगठन नहीं बन पाया है। कई साल बीत गए हैं जबकि मंडल और पन्ना प्रमुख तक बीजेपी पार्टी पहुंच चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी 30 तारीख से शुरू की जा रही है। अलग अलग विधानसभा के 2 से 3 गांव शामिल किए जाएंगे। सांसद रमेश कौशिक ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और सांसद ने 2024 में सरकार बनाने का दावा बीजेपी द्वारा किया है। वहीं 5 राज्यों में हुई वोटिंग के बाद 3 तारीख को गिनती के बाद बीजेपी पार्टी की शानदार जीत दर्ज होगी। हरियाणा में 75% नौकरी आरक्षण को लेकर सांसद रमेश कौशिक ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पूरी तैयारियां पूरी पार्टी ने की है और एक अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा रामलीला का। क्या कुछ कार्यक्रम है जी उसमें? कुछ तो जैसे आएंगे कुछ संस्थाएं हैं वो इस बार करेंगी, उसके साथ साथ पंचायत हुए प्रोग्राम हो जाएंगे वोट पाएंगे। इस तरह से मतलब 2-3-4 घंटे प्रोग्राम उनका यहाँ पर है। सर जनसंवाद रैली भी है, वोट की गई है। जनसंवाद जो था में अभी वोट किया है, 30 तारीख से हम वो शुरू कर रहे हैं। उसमें ऐसा है जो हमारी यहाँ 3 गाड़ियाँ आई हैं तो हर गांव में एक दिन में 2-2 गांव को कवर करके वहाँ सारे टेस्ट भी हो जाएंगे, उनका हर सुविधा होगी और जिन्हें कार्ड बनने हैं और बनने वो भी बन जाएंगे। वो प्रोग्राम 30 तारीख से शुरू करेंगे और करोड़ का चलेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा वो शुरू कर रहे हैं 30 तारीख से। सर कल ये जो यात्रा है ये कहाँ से शुरू होने वाली है सोनीपत में, खास तौर पर क्या कुछ विशेष? सोनीपत के 2 हमें गांव की लिस्ट है वो मैं आपने दे दूंगा, सब क्यों बना दी है। हर हल्के के 2-2, 3-3, 4-4 गाँव रखे हैं पहले, वो सारे इस तरह से हम पूरा कवर करेंगे और लिस्ट आपको हम देंगे। बीजेपी पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर किस प्रकार से 2024 की पूरी तैयारी में है और 2024 में फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश में और देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है 9.5 साल में उसके दम पर हम सरकार। सर 5 राज्यों में वोटिंग है वो हो चुकी है, काउंटिंग का दिन है, 3 तारीख को काउंटिंग हो और उनमें भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत होने वाली है। सर कितनी उम्मीदें हैं वो लगा रहे हो? कितनी? काफ़ी पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। सभी राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। सर एक बड़ा झटका है वो आपको लगा है, गठबंधन सरकार को लगा है। हरियाणा की हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण को निजी कंपनियों में वो रद्द कर दिया है कानून को, अब किस तरह की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा रही है, हम कोशिश करेंगे। विपक्ष इसको लेकर लगातार कह रहा है कि युवाओं के साथ धोखा किया। विपक्ष ने तो ये कहना ही है, उनका अपना काम है, हमारा काम करना है, उनका ही वो करना। उन्होंने क्या ये कहा है? और यहाँ पर इतने नेशनल हाईवे बन गया, किसी विपक्ष नेता ने कही है? उन्होंने स्कीम तो थी रेल कोच फैक्ट्री की कही है, खरकोदा मारुति बन गई कही है, अब जब क्या नहरा वाला रोड है 240 करोड़ रुपये में उसको भी वो कंप्लीट होने जा रहा है, जिससे हम एयरपोर्ट पर सिर्फ यहाँ से 35 मिनट में हम एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। आज आप यहाँ से उन्हें पूछो झज्जर जाते हो गए करते हैं, यहाँ से सोनीपत से झज्जर जाना हो 50 मिनट में हम झज्जर पहुँचते आते थे। सही वो हम विकास का काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं। वो हमने सोचा था कि सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसको लेकर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी जैसे पिछली बार बनी थी उसी तरह से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बेचारा कहना ही वो बनता है। सर एक पनौती शब्द को लेकर लगातार बयानबाजी है वो हो रही है, राहुल गांधी ने मोदी को वर्ल्ड कप के मैच के दौरान पनौती है वो कहा था। इस तरह बयान नहीं देने चाहिए किसी भी नेता को, ये शोभा नहीं देता इस तरह की बातें करना। मैच में हार जीत लगी रहती है,
और कुछ नहीं। पूरी पूरी कांग्रेस उनके बयान का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। और वो क्या करेंगे, उनके पास तो रास्ता नहीं होता ना, उनको काम तो कुछ है नहीं। ये नहीं बातें मन लेना, फिर काम कर लो कुछ। जमीन पर दिखाई देती है कांग्रेस के, बता दो आते संगठन नहीं बनाया प्रदेश में, इससे बड़ी शर्म की बात है। कई सालों के उन्होंने मुझे संगठन तक थरा बना नहीं, हमारे पन्ना प्रमुख तक करा दिए, मंडल तक करा दिए, सारा काम हमने कर लिया। और हमने विकास का, जैसे मैं बता रहा था, अभी भी हमारे ये जैसे सापुर वाला रास्ता है, ये लगभग 16 किलोमीटर का बनेगा, 16 करोड़ है इसका, 16 करोड़ 16 करोड़ रुपये तो इसके है, इसका काम जल्दी शुरू कर। ये जो था अपना नहर होगा बीच वाला है, 240 करोड़ करीब का, इसमें दो आरो भी है, दो स्टील ब्रिज हैं, वो पूरा ठीक कर रहे हैं, और ये अपना एक्सप्रेस वे है, ये भी जल्दी पूरा होना है। तो ये सब एक विकास का हम नया रास्ता दे रहे हैं। अब जींद जाएंगे हम सोनीपत से, सोनीपत से जींद हम 50 मिनट लगा करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं MP बन के गया जींद में, अरे इस तरह से बना रखा था इन्होंने लाख माधुरी के आगे, जैसे जींद जो है इस प्रदेश का हिस्सा नहीं है, जहाँ रोहतक जिला खत्म, रोड खत्म। हमारे यहाँ बंगा गाँव है जो जींद में पड़ता है, ये सोनीपत रोड, इस पर कुछ नहीं था। आज जींद को हमने 8 नेशनल हाईवे जोड़ा है, जींद में शानदार बाईपास बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है। ये जब गन्नौर की लगाए उसका प्रचार करते थे, क्या जब हम 3 साल में कोई काम कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, तो कोई काम तो बता दो, ये कर दिया था, ये काम तो गिनवाए अगर हमें ये किया था। इन बातों को चिन्ह रखे, जमीन पर काम हुआ उसकी बात करो। आज सोनीपत रेलवे स्टेशन है, पहले ही हमने बहुत बढ़िया बना रखा था, बीच को तोड़ के दोबारा ने 25 करोड़ रुपये इसके किए हैं, जो क्वार्टर वो भी हो रहे हैं, सारा नया बना रहे हैं सब। और गुवाने रेलवे स्टेशन है, उसको मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। वहाँ रेलवे की जो ज़मीन में गंदगी पड़ी थी, उसको पार्क आप देख सकते हैं, वहाँ हमें तो उन्हें दिखा दिया, और जो ये होता है काम जींद गुवाना में, जींद ये काम हाईकमांड का है, क्या है, हम सरकार गठबंधन में चला रहे हैं। सर भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन सरकार है, वो चल रही है जननायक जनता पार्टी की। और जो हमारे दो आरोपी हैं वो एक अन्नौर में है, सुपियाबाद के पास, वो 60 करोड़ के वो लगभग पूरे हो रहे हैं। ये सोनीपत गन्नौर रोड का काम चल रहा है, सोनीपत गन्नौर तकरीबन काम 25 करोड़ का, ये 25 का ये हमारा है नियत काम कर रहे हैं। आज सोनीपत के सारे रोड लगभग ठीक है, ये जटवाड़ा वाला बचा है, इसको इस हफ्ते में शुरू कर रहे हैं। सर राजस्थान में जननायक जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान, यार उनकी अलग पार्टी है, कहीं भी लड़ सकते हैं लोग, राइट है, राजस्थान में लड़, वहाँ हमारा कोई गठबंधन थोड़ी उनसे, वहाँ लड़ लिया ठीक है। यहाँ भी चुनावी गठबंधन होगा सर, चुनाव लड़ने के लिए ऐसा है, ये सारा काम पार्टी हमारे यहाँ एक आदमी आने के, हमारे यहाँ पार्टी हाईकमांड से फैसला करती है, पार्टी हाईकमांड जो आदेश होगा उसका पूरी तरह से पालन करें। थैंक यू सर, ठीक है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।